हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको डायबिटीज़ के कॉजेज़ और लक्षणों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करना है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट है ये बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज करें। डायबिटीज़ के डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले आता है ब्लड शुगर चेक करना। हम ब्लड शुगर फास्टिंग कर सकते हैं, पोस्ट पेरियडियल कर सकते हैं जिसे पीपी कहते हैं, जो कि खाने के 2 घंटे बाद होती है, या रैंडम ब्लड शुगर जो कि हम किसी भी टाइम चेक कर सकते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग जो है वो 70 से 110 के बीच होनी चाहिए। ब्लड शुगर जो पीपी है वो 70 से 140 के बीच होनी चाहिए। साथ ही रैंडम ब्लड शुगर भी 70 से 140 के बीच होनी चाहिए। अगर पोस्ट पेरियडियल या रैंडम ब्लड शुगर 140 से ज़्यादा है तो फिर आपको डायबिटीज़ के लिए वर्कअप कराना चाहिए। इसके अलावा आप HbA1c टेस्ट भी करा सकते हैं, इससे 3 महीने का ब्लड शुगर कंट्रोल पता चल जाता है। आइए जानते हैं डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाकर हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, साइकिलिंग, योगा, एक्सरसाइज। साथ ही साथ हेल्दी डाइट का इस्तेमाल, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का ज़्यादा लेना और तले हुए फैटी फ्राइड फूड्स का कम इस्तेमाल करना। इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन करें, ओबेसिटी से बचें, साथ ही अल्कोहल और तंबाकू का सेवन ना करें। इसके अलावा आप रेगुलर ब्लड चेकअप करा सकते हैं, जिससे कि डायबिटीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ने में हेल्प मिल सकती है। चलिए जानते हैं डायबिटीज़ का ड्रग ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आती है मेटफॉर्मिन, जो कि एक इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, जो कि इंसुलिन को हेल्प करती है सेल्स के ऊपर ऐड करने में और ग्लूकोज को यूटिलाइज़ कराने में। ये दवाई डायबिटीज़ में सबसे पहले स्टार्ट की जाती है क्योंकि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। सल्फोनाइलयूरिया, जिसके अंदर ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लिबेनक्लेमाइड वगैरह ड्रग्स आती हैं। ये दवाई सिक्रेटोगॉग कहलाती हैं। ये दवाई पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ कर देती हैं। इन दवाइयों को मेटफॉर्मिन के बाद स्टार्ट किया जाता है क्योंकि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम कर देना। इसके अलावा डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेस-4 इनिबिटर, DPP-4 इनिबिटर्स भी आती हैं। ये दवाइयाँ भी इनडायरेक्टली इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज़ करती हैं। इन दवाइयों के एग्जांपल्स हैं जैसे कि सीताग्लिप्टिन, एक्साग्लिप्टिन या लीनाग्लिप्टिन। डायबिटीज़ में SGLT2 इनिबिटर्स जैसे कि डेपाग्लिफ्लोजिन भी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये दवाइयाँ हाई ब्लड ग्लूकोज को किडनी के थ्रू निकालने में हेल्प करती है, जिसके कारण ब्लड शुगर कम हो जाता है। इसके साथ साथ अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर जैसे कि अकारबोज भी शुगर को कम करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ की लेट स्टेज में जब शुगर इन ओरल दवाइयों से कंट्रोल ना हो तो हमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इंसुलिन कई प्रकार की आती है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग, जैसे कि ग्लार्जिन। इसके अलावा इंसुलिन का कम्बिनेशन भी आता है, जिसमें कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स करके डाला जाता है, जिसे कि हम मिक्सटार्ट कहते हैं। ये एक इंसुलिन का सुपीरियर फॉर्मुलेशन है। इसमें मरीज़ को बेसल और बोलस दोनों इंसुलिन की डोजेज मिल जाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। 1 थिंग टू रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।